प्रैक्टिस शुरू की थी पास पेपर्स पे, पहले एक इलस्ट्रेशन 8 कैश बजट की देखी थी और फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक से चैप्टर के जो एंड पे है वहाँ से हमने देखा था कोई सवाल कल के क्वेश्चन में से, कोई कैलकुलेशन, कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट चाहिए हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, पास पेपर क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट है, अभी हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बजट के सवाल देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएनएल एंड कैश बजट, दीज आर द टू एरिया जिन पर ज़्यादा सवाल नज़र आते हैं, तो कुछ सवाल हम पहले पीएनएल बजट के करते हैं, उसके बाद फिर हम कैश बजट के सवाल देखेंगे। कल हमने जैसे फंक्शनल बजट का एक सवाल देखा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स या प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट था, प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पेज 234 पे आपके पास आ रहा है शाहिद लिमिटेड का, प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर X0 X1, पीएनएल बनाना है जी, रहा पढ़िए डाटा। अच्छा जी, हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी गई है और उससे हमें पीएनएल बनाना है। पीएनएल में हमें जो चीज़ें आइटम सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिफाई करूं जो नज़र आ रही हैं, एक रेवेन्यू आएगा, एक कमीशन है सेल्स पे, एक डिस्काउंट है, कट पीस आ रही है। तो हम कमीशन और डिस्काउंट को प्रेजेंटेशन की डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे उसको सेल्स माइनस कमीशन एंड डिस्काउंट नेट सेल्स पे आ जाते हैं, इधर नेट सेल्स रिपोर्ट करेंगे। फिर उसने एक वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र किया हुआ है, दैट इज़ इन नोट नंबर, वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र है जी इसका, किस नोट में, नोट नंबर 5 में वेरिएबल कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है। सो जो फॉर्मेट समझ आता है, आप पहले सेल्स लाएंगे, सेल्स में से लेस करेंगे कमीशन, लेस करेंगे डिस्काउंट, यहाँ से आपको मिलेंगी नेट सेल्स, नेट सेल्स में से लेस करेंगे आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, तो शायद आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप लेस करेंगे हेड ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट और आउटलेट्स का जो किराया है, आउटलेट्स कॉस्ट जिसका उसने जिक्र किया हुआ है, तो शायद यहां से आपको ये नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बेहतर होता है कि आप सवाल को अच्छी तरह जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको रिक्वायर्ड है, रिकमेंडेड है कि 3 दफ़ा सवाल ज़रूर पढ़िए, तो उसके बाद यू शुड बी एबल टू ड्रा फॉर्मेट कि सवाल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आइटम्स हैं जिनको यूज़ करके हमने डिज़ायर्ड वैल्यूज़ पे पहुँचना है। तो ये मैंने सवाल से आइटम्स आइडेंटिफाई कर ली हैं जिनको यूज़ करके हमने आंसर तक पहुँचना है। अब इसमें कुछ फिगर्स बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम उनको पहले ले लेते हैं। फिगर्स रुपीज़ इन मिलियन में उसने लिखा हुआ है, तो हम रुपीज़ इन मिलियन में पीएनएल बना लेते हैं। जैसे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्ट्री के बारे में उसने बताया हुआ है नोट नंबर 6 में, 45 मिलियन। हेड ऑफिस की फिक्स कॉस्ट नोट नंबर 6 में ही उसने बताया हुआ है 15 मिलियन, सॉरी ये भी 45 पर मंथ है, पर मंथ हम एनुअल पीएनएल बना रहे हैं, तो इट इज 45 × 12, 540। सिमिलरली हेड ऑफिस की कॉस्ट इज 15 पर मंथ इंटू 12, 180। आउटलेट्स की कॉस्ट ये भी गिवन है जी हमें नोट नंबर 3 में, कंपनी ऑपरेट्स 22 आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री, द फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट इज 1.2 मिलियन पर मंथ, 1.2 मिलियन पर मंथ पर आउटलेट है, 12 महीने हैं और 22 आउटलेट्स हैं, कितना खर्चा हुआ, 6.8 मिलियन। अब ये जैसे मैंने कहा कि अगर फॉर्मेट आपके पास है, अभी हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, लेकिन 3 वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, तो 3-4 नंबर या 3 से 5 नंबर तो ज़रूर हम स्कोर कर चुके हैं। और अभी हमने किसी कैलकुलेशन को जिसमें कोई लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं या कैलकुलेशन इन्वॉल्व है टच भी नहीं किया हमने। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसके मुताबिक हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए थे और उन हेड्स में कुछ वैल्यूज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो डाल दी।
अब बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का ताल्लुक सेल्स से है, क्योंकि सेल्स पे ही कमीशन है, सेल्स पे ही डिस्काउंट है, सेल्स पे ही ताल्लुक लेके वेरिएबल कॉस्ट है। तो बाकी जो आपकी चार फिगर्स रह गई हैं उनमें सबसे पहले आप सेल्स वर्कआउट करेंगे, उसके बाद बाकी फिगर जो सेल्स से लिंक्ड हैं वो वर्कआउट करेंगे, आपका पीएनएल कंप्लीट है जी। यहाँ तक किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? एग्जाम में भी यू शुड अप्रोच लाइक दिस, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, आप लोग पीएनएल में सबसे पहले ऊपर सेल्स लिखते हो, सेल्स पे वर्किंग शुरू करते हो, चांसेस आर देयर अगर पहली वर्किंग ही कॉम्प्लेक्स है आप उस पर ही फंस जाओगे, 5-10-15 मिनट ज़ाया कर दोगे और बगैर कोई नंबर स्कोर किए हुए टेंशन में आगे जाते हो। आपको जो आर्ट में बार बार कह रहे हैं डेवलप करना है कि क्वेश्चन को ओवरऑल स्कोप देखो कि आंसर तक पहुंचने के लिए क्या क्या वर्किंग रिक्वायर्ड हैं, जो ईजी और क्विक वर्किंग है पहले उनको टारगेट करो, जिससे हम एग्जाम की ओवरऑल स्ट्रेटेजी है कि पूरे पेपर में से आसान सवाल पहले किए जाते हैं। इसी तरह हर सवाल में हमारी कोशिश होती है कि पूरे सवाल में से जो आसान कैलकुलेशन है, जो इजी मार्क्स हैं, उनको पहले सेफ सिक्योर किया जाए। तो ये जो इजीएस्ट मार्क्स थे हमने पहले वो ले लिए हैं। अब हम सेल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि सेल्स की फिगर होगी तो कमीशन, डिस्काउंट और वेरिएबल कॉस्ट लिंक बनता है उनसे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है। अब सेल्स के लिए आपको नोट नंबर वन पढ़ना है जी, नोट नंबर वन एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा जी, सेल्स में उसने कहा हमने जूते कितने बेचने हैं और रेंज ऑफ प्राइस क्या है, उसके हिसाब से उसने हमें फिर फर्दर ब्रेकअप दे दिया। तो हम एक वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग वन। वर्किंग वन में हम पहले मैन के शूज़ यूनिट्स, प्राइस और रेवेन्यू रुपीज़ इन मिलियन में लेते हैं, फिर इसी तरह वुमेन के हम बना लेते हैं। ठीक है जी, हमें कहा गया है कि टोटल हमने मैन के 1200 यूनिट्स जो बेचे हैं उनमें से 60%, मतलब 1200 का जो 60% है वो जाएंगे मिनिमम प्राइस पे, मैन की मिनिमम प्राइस 1000। फिर फर्दर हमें कहा गया है 1200 का जो 10% है वो जाएंगे मैक्सिमम प्राइस पे 4000 पे। फिर फर्दर कहा गया जो बाकी बचे 30% वो मैन के किस रेट पे जाएंगे? 2000 पे। अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, हमने सिर्फ जो स्टेटमेंट पढ़ी उसके हिसाब से नंबर यहाँ पे ले आए हैं। 2000 टोटल बेचने हैं, 1200 टोटल बेचने हैं, 60% मिनिमम प्राइस पे, 10% मैक्सिमम प्राइस पे और बाकी 2000 पे। सिमिलरली विमेन का डाटा भी हमें इसी शेप में दिया गया है, टोटल बेचने हैं हमने विमेन के ये यूनिट्स इन थाउजेंड, सॉरी ये यूनिट्स इन थाउजेंड है हमारे। ठीक है जी, यूनिट्स इन थाउजेंड ये हैं जी, 500 मल्टीप्लाई 60% ये जाएंगे किस पे जी? मिनिमम 800 पे। फिर 500 का 10% ये जाएंगे मैक्सिमम पे 2500 पे। फिर 500 का 30% ये जाएंगे आपके 1200 पे। लीजिए जी, यहाँ से आप ये यूनिट्स इन थाउजेंड मैंने लिए थे ताकि नंबर्स हमारे ज़रा इजी रहें, प्राइस रुपीज़ में है और इसके बाद अब ये वैल्यू आप मुझे मिलियन में बता दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से 1000 में आ रहा होगा, 30 उड़ा के आप मुझे बता देंगे जी। वन बाय वन फिगर बोलते जाइए। 7, ये पहली फिगर 720,000 है या 720 बेटा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो 1000 में आ रहा होगा। आपकी वैल्यू अगर सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1000 में आ रही है, 720,000 आ रही वैल्यू, तो इसका मतलब 720 मिलियन है। ठीक हो गया, 720 जी। नेक्स्ट 480, नेक्स्ट 720 मिलियन में जब फिगर हो तो इट इज रिकमेंडेड टू राइट इन टू डेसिमल जी। नेक्स्ट 240 125 180, सम कर लीजिए, टोटल सेल्स आपकी कितनी बने, इसको हम ग्रॉस सेल्स कह सकते हैं, 2465 मिलियन। ये जी हमारी ग्रॉस सेल्स हैं, 2465 ग्रॉस सेल्स। जैसे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी हम स्टेटमेंट पढ़ते गए और उसके हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट करते गए। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत किसी कैलकुलेशन में, रेवेन्यू हमें उसने मैन वुमेन दोनों के उसने बताए हुए हैं कितने जूते किस प्राइस पे बिकने हैं,
मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि डाटा सारा क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, वॉल्यूम भी दिए जाएंगे, प्राइसेस भी दी जाएंगी, बट आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने हैं रेलेवेंट नंबर्स और फिगर्स पे पहुंचेंगे जो आपकी यूज होनी है। सेल्स, ग्रॉस सेल्स 2465। अब आइए नोट नंबर 2 पे जिसमें कमीशन का जिक्र है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द 30% ऑफ द यूनिट्स वुड बी सोल्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर हु आर ऑफर्ड कमीशन 20% कमीशन ऑन रिटेल प्राइस। 30% यूनिट्स जो हम बेच रहे हैं, तमाम के तमाम यूनिट्स के 30% थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जाने हैं। इसका मतलब हमारा 30% रेवेन्यू थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जाना है। हमारी सेल्स 30% थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको 20% कमीशन जानी है। तो कमीशन की कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, टोटल सेल्स का 30% थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिसको 20% हमने कमीशन देनी है। तो कितनी कमीशन देनी है जी हमने? 147.9 ये लीजिए जी हमारी कमीशन जानी है। तो इट इज वेरी सिंपली रिटन इन द क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। 30% यूनिट्स का मतलब 30% रेवेन्यू होता है। जितने यूनिट्स बिकेंगे उतना ही उतने परसेंट रेवेन्यू आपका उस साइड से आएगा। तो 30% रेवेन्यू पे 20% कमीशन आपने देनी है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्काउंट के लिए नोट नंबर 4 पढ़िए। सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट्स, जो कि टोटल सेल्स का कितना है? 70%, बिल्कुल ठीक हो गया। सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट्स इंक्लूड सेल्स ऑफ कट साइज फुटवेयर। कट साइज का मतलब डिफेक्टिव पीसेज होते हैं, कट साइज फुटवेयर विच आर सोल्ड एट 40% बिलो द नॉर्मल रिटेल प्राइस एंड रिप्रेजेंट्स 5% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट की टोटल सेल्स के 5% के बराबर जो सेल्स हैं उन पे 40% डिस्काउंट है। तो आप मैयर कर लीजिए, रिटेल की सेल्स हैं 2465 का 70%, रिटेल की टोटल सेल्स में से जो 5% सेल है उस पर कितना डिस्काउंट है? 40% लीजिए जी, कितना टोटल डिस्काउंट हुआ? 34.51 मिलियन। लीजिए यहां से आप नेट सेल्स दे सकते हैं। व्हाट इज नेट सेल्स जी? 2282.59। अब हमारी एक फिगर वेरिएबल कॉस्ट की रह गई है, उसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा बजट कंप्लीट। अच्छा, अब लास्ट फिगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट की रह गई है जिसके बाद हमारा पीएनएल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैं फिर तवज्जो दिला दूँ, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट की समझ नहीं भी आएगी, नॉर्मली मैं फिर जो बात करता हूँ, बच्चे फॉर एग्जाम्पल आपने रेवेन्यू वर्कआउट कर लिया, आपने वर्कआउट कर लिया ये कि इस बार वेरिएबल कॉस्ट पे है। वेरिएबल कॉस्ट एक वाहिद फिगर है जो जरा थोड़ी सी आप कह सकते हैं सवाल के लिहाज से मुश्किल है, वैसे मुश्किल नहीं है। इस सवाल में जो मुश्किल तरीन कैलकुलेशन है, जो सोचने वाली बात है, वो वेरिएबल कॉस्ट नजर आती है। लेट्स अज्यूम आप वेरिएबल कॉस्ट पे आते हो, रुक जाते हो, तो प्रॉब्लम इज जैसे मैंने कहा कि आप इससे आगे चलते नहीं हो और ये 1, 2, 3 कैलकुलेशन आपकी मिस हो जाती है, ये 3 नंबर आप लूज कर जाते हो, 4 नंबर जितने में लूज करते हो। सो आपको जो मैंने चीज़ क्या सिखाई है कि आप इजी वर्किंग्स आइडेंटिफाई करो, उनको पहले कर दो। आपकी अगर खुदा ना खास्ता आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती, लेट्स अज्यूम सब कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सोचा, आपको समझ नहीं आई, आपको 2-3 मिनट आपने सोचे इस पर नहीं समझ आई, तो आपने 2-3 मिनट से ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं है। 2 नंबर की कैलकुलेशन है, 2 मिनट से ज़्यादा इस पर सोचेंगे तो आप वक्त का ज़िया कर रहे हो, आपका आगे कोई पार्ट छूट जाएगा। अब पूरे सवाल में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी समझ आती, लेट्स अज्यूम ये 12 नंबर का सवाल है, तो 12 में से इसको छोड़ भी दोगे तो 12 में से 10 आ जाते हैं, और 12 में से 10 बहुत अच्छा स्कोर होते हैं अगर आप पेपर को बड़े अच्छे नंबरों से पास करना टारगेट कर रहे हो। तो यहां पे अगर आपको नहीं समझ आ रही, लेट्स अज्यूम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको फिगर नहीं समझ आ रही, आप लिख दो, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम एक्स अमाउंट लिखो, जो भी अमाउंट 100 लिखना, 400 लिखना, 2000 लिखना, और सब पेपर कंप्लीट कर दो कि जी प्रॉफिट ये आ रहा है। इसमें एक फिगर अज्यूम्ड है, तो एग्जामिनर सिर्फ इस फिगर के नंबर काटेगा, बाकी फॉर्मेट के तमाम वर्किंग के आपको नंबर मिलेंगे। और मैं जो बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूं, विदाउट वेस्टिंग अनड्यू टाइम, इसको आप ड्यू टाइम 2 मिनट दोगे, क्योंकि हर स्टेप के 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज्यादा कोई स्टेप कोई कैलकुलेशन इससे ज्यादा नंबर की नहीं होती एग्जाम में। सो हर कैलकुलेशन पे आपने इतना ही मिनट सोचना है, समझ आ जाए तो कर दो, नहीं समझ आए तो आगे चलो। अगर टाइम जाया किया फिर रिज्यूम किया तो शायद कोई फायदा ना हो, क्योंकि हमारा तो मकसद ही यहां पर यह है कि एक तो सवाल कंप्लीट करना,
दूसरा यहां से टाइम जो बच रहा है उसको किसी और सवाल पे इन्वेस्ट करके वहां से मार्क्स अर्न करना। लेकिन अगर हमें यहीं पे 10 मिनट लगा के 10 मिनट बाद रिज्यूम करना है तो टाइम तो जाया हो गया हमारा, आगे सवाल तो 7-8 नंबर का हमारा छूट गया शायद, उसी चीज को हमने अवॉइड करना है। बहरहाल अब वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात सोचें तो इसके लिए हम एक चले वर्किंग टू एक अलहदा ही कर देते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेशन की जा सकती है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वर्किंग टू में रेफर कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं जहाँ पे लेंथी वर्किंग है हम उसको रेफर कर रहे हैं, जो स्मार्ट और छोटी वर्किंग है हम उसको यहीं पे शो कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्मेट जैसे मैंने कहा राइट साइड पे कॉलम बनाइए, पूरा पेज खाली होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, यू हैव एम्पल स्पेस टू डू स्मार्ट वर्किंग। एक एक रो छोड़ के लिख रहे हैं तो और ज़्यादा स्पेस मिल जाती है वर्किंग की, आप कमीशन की वर्किंग इसके नीचे भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड बहरहाल यही है कि आप टेबुलर वर्किंग डाटा जब प्रेजेंट करें एक एक लाइन छोड़ के लिखिए, इससे आपको बहुत सी बातों से आप बच जाते हैं, खासतौर पर जिन बच्चों की राइटिंग साफ सुथरी नहीं भी होती तो वो भी अगर लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं तो लेजिबल हो जाती है, पढ़ने के काबिल हो जाती है राइटिंग, अदरवाइज वर्किंग की जगह मिलती है, अदरवाइज करेक्शन की स्पेस मिलती है। आपसे कोई गलती होगी आप उसको ठीक कर सकते हो, आपसे कोई आइटम मिस होगी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अगर एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो। तो देर आर मल्टीपल रीजंस के व्हाई यू शुड राइट न्यूमेरिकल्स विद एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी लाइंस। अच्छा जी, लास्ट वेरिएबल कॉस्ट नोट नंबर था 5। कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। उनका जी कमीशन के अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, एक तो वेरिएबल कॉस्ट कमीशन भी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी, डिस्काउंट तो कट पीसेस का उसको छोड़ दीजिए। तो उसने कहा जी कमीशन के अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट पे 120% मार्कअप डाल के प्राइस निकाली जाती है, मार्जिन। अच्छा यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर लें, कॉस्ट पे मार्कअप होता है, मार्जिन नहीं होता, मार्जिन तो प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये टाइपो आप कह सकते हैं, ये आईकैप में ये एग्जाम आईकैप का सवाल है और उसमें ये गलती हुई हुई है, तो आपने बी प्रिपेयर्ड, इस तरह की माइनर मिस्टेक्स आपके सामने आ सकती हैं। बट आपको अगर पता हो कि कॉस्ट पे और प्रॉफिट पे कैलकुलेशन में फ़र्क है, उसने लिखा हुआ है कॉस्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसने मार्जिन लिख दिया है तो ये गलती है, टाइपो एरर है, 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट है तो कॉस्ट पे तो मार्कअप होता है, तो इसको आप अपने पास रेक्टिफाई कर लीजिए, या कि आपकी गलती है। और एग्जाम में भी मैं फिर बोल रहा हूँ इस तरह की गलती का आपको सामना कर पड़ सकता है, ठीक है जी। सो आपने वहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करना है कि भाई कॉस्ट पे है तो मार्जिन गलती से लिखा गया होगा, मार्कअप ही होगा। अच्छा जी, उसने कहा जी कॉस्ट पे 120% मार्कअप डाल के प्राइस निकलती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट एक कमीशन है और एक यहाँ पे आने हैं। उसने कहा जी ये जो कॉस्ट है इस पे 120% मार्कअप डाल के प्राइस आती है, तो जो रिलेशनशिप एक कॉस्ट पर यूनिट और प्राइस का होता है वही रिलेशनशिप टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू का एग्जिस्ट करता है। उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक उसने कहा जी आपकी प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट इंटू 1.2, यही बोला उसने, यही लिखा हुआ ना उसने, उसने कहा ये रिलेशनशिप है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यही रिलेशनशिप आपका प्रिवेल करेगा, जो प्राइस का रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप आपका टोटल सेल्स, बल्कि लेट मी राइट ग्रॉस सेल्स, क्योंकि प्राइस पे आपकी ग्रॉस सेल्स बनती है, इनटू टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू 1.2, ये रिलेशनशिप यहां प्रिवेल करेगा। अब इसी रिलेशनशिप को यूज करते हुए आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां पे आएगी टोटल सेल्स ग्रॉस सेल्स नहीं, ये गलत कह रहा हूं मैं, कितने परसेंट है मार्कअप, 120% मार्कअप है, 120% मार्कअप है, तो इसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट में 120% मार्कअप ऐड करना है, आपने 120% मार्कअप ऐड करना है, ये आपका है जी वेरिएबल कॉस्ट इनटू 1.2, ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है जी। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू 1.2, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है जी। आपने इक्वेशन में आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस इक्वेशन को अब ओपन अप अगर कर लें आप, तो आपका ये बनेगा जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगा आपका, मैथमेटिकली इसको अरेंज करें हम तो वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो जाता है,
ये 1.2 है, ये 2.2 वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है, ठीक है जी। आपकी मैं एक स्टेप चले आसानी के लिए आपकी और डाल देता हूँ, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 2.2 ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ से आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकलती है टोटल सेल्स ओवर 2.2। ये कैलकुलेशन एक स्टेप पे भी की जा सकती थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इक्वेशन, आगे चल के सवालों में शायद इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, बट फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए प्राइस इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस 120% मार्कअप। वेरिएबल कॉस्ट का 120% कर लीजिए या 1.2 सिर्फ दे लीजिए, ये मार्कअप है, ये कॉस्ट है, प्राइस ऐसे आ रही है। जो प्राइस का रिलेशनशिप है वही रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट में अप्लाई करेगा, और इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकल सकती है 2465 ओवर 2.2 कितनी आई है, 2.0045 मिलियंस में डाटा है, दो डेसिमल पे हम काम कर रहे हैं जी, रुपीज इन मिलियन। ये आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1120.45। लीजिए जी यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट 6.14, नेट प्रॉफिट 125.34। लीजिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन बैंक का बजटेड पीएनएल, किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? जी बेटा वेरिएबल कॉस्ट की मैं सेंटेंस दोबारा पढ़ता हूं और फिर हम वर्किंग इसको दोबारा एक बार देखते हैं। कंपनी कीप्स अ मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन शामिल नहीं है, जो कमीशन के अलावा वेरिएबल कॉस्ट है उसकी बात, और इस सेल्स में कमीशन निकालने की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? एक्सक्लूडिंग कमीशन, वेरिएबल कॉस्ट जो कमीशन के बगैर है, ये कॉस्ट हम निकाल रहे हैं कमीशन के अलावा वेरिएबल कॉस्ट मेजर कर रहे हैं, कमीशन तो ऊपर ले ली भी हमने, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो कमीशन के अलावा वेरिएबल कॉस्ट है उसके ऊपर 120% मार्जिन ऐड करके या मार्कअप ऐड करके प्राइस निकाली जाती है। सेल्स में से कमीशन नहीं निकालनी, उसने से प्राइस के आगे नहीं लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग कमीशन, उसने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, ये है वेरिएबल कॉस्ट कमीशन के बगैर, कमीशन अलहदा आ रही है, इस वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन शामिल नहीं है, और हमने इस वेरिएबल कॉस्ट का ही रिलेशनशिप सेल्स से यूज किया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन का सेल्स से रिलेशनशिप हमने बनाया है। अगर ये एक्सक्लूडिंग कमीशन ना होता आप बताओ क्या करते हैं? फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप है, इसका मतलब जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आ रही है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इंक्लूडिंग कमीशन, ठीक है, अभी ये एक्सक्लूडिंग कमीशन है तो इसलिए हमने सारी यहाँ पर डाल दी। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप होता तो फिर वो इस कॉस्ट में कमीशन भी शामिल होती। अच्छा जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओमेर एंटरप्राइजेज, ये भी पीएनएल का सवाल है, रिक्वायरमेंट है इसकी पार्ट ए, सिर्फ पहले पार्ट ए को ही देखते हैं। कंप्यूट द टोटल बजटेड प्रॉफिट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड पार्ट सेकेंड है इसका, इफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसल्टेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कंपनी एक करंट सेल्स पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, सेल्स पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, हमें कहा गया है अगले साल का बजटेड पीएनएल बनाओ अगर कंपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत ही चीजें बेचती रहे, और फिर कुछ रिकमेंडेशन है कंसल्टेंट की कि भाई सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है अगर हम कंसल्टेंट की सजेशन को इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा बजटेड पीएनएल कैसे होगा। तो जी सवाल पढ़ते हैं ओमेर का, द होम अप्लायंसेस डिवीजन ऑफ ओमेर एंटरप्राइजेज assembles and markets television sets. The company has a long-term agreement with a foreign supplier for the supply of electronic kits for its television sets. The relevant details extracted from the budget for the next financial year are as follows. Ye budget se jo data nikala gaya wo hai CNF value of each electronic kit. CNF se murad कॉस्ट एंड फ्रेट,
मतलब आपके लिए दिस इज लैंडेड कॉस्ट, सीएनएफ वैल्यू आपकी, जो मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी आपको, सीएनएफ से मुराद होती है कॉस्ट एट द बायर्स पोर्ट, बायर की पोर्ट पे डिलीवरी आपको मिलेगी। आप पाकिस्तान में हो, आप सपोज ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, सो सीएनएफ प्राइस का मतलब द सप्लायर विल डिलीवर यू इन कराची, कराची में आपको ये चीजें डिलीवर होंगी इस प्राइस पे। बहरहाल सीएनएफ वैल्यू ऑफ ईच इलेक्ट्रॉनिक किट 9500, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूटीज एटसेट्रा। इंपोर्ट रिलेटेड मतलब कोई आप अपने क्लियरिंग एजेंट को पैसे दे रहे हो, कोई ड्यूटीज पे कर रहे हो, हो सकता है आपका कोई किराया जो आप कराची से लाहौर लेके आ रहे हो, दैट इज 900 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन फॉर ईच सेट, लोकली आप उसमें जिनमें भी असम्बली करते हो, जो भी उस पर बॉडी यूज बनाते हो उसके ऊपर, टीवी के ऊपर, दैट इज 3500। एंड वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पर सेट इज 900। एनुअल फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 12 मिलियन, एनुअल फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेज 9 मिलियन। ये उसने हमें बजट से एक्सट्रैक्ट दे दिया है, कुछ डाटा पर यूनिट है और कुछ एनुअल फिक्स कॉस्ट से हैं। आगे चलते हैं जी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन विच इज 5000 यूनिट्स, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट आप निकालेंगे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड को 5000 से डिवाइड करके। द प्रेजेंट सप्लाई चेन इज एज फॉलोज, करंटली कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 25% मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स टू होलसेलर्स एट 10% मार्जन, होलसेलर सेल्स टू रिटेलर्स एट 4% मार्जन, रिटेलर सेल्स टू कंज्यूमर एट अ रिटेल प्राइस दैट इज एट अ मार्कअप ऑफ 10% मार्कअप ऑन देयर कॉस्ट। पूरी उसने सप्लाई चेन बता दी है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेच रही है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर फिर कस्टमर को बेचता है, और रिटेल प्राइस होती है द प्राइस विच इज चार्ज टू कस्टमर। ठीक है जी, वो उसने बताया क्या है रिटेल प्राइस, क्या होती है जो रिटेलर को कॉस्ट है उसमें 10% मार्कअप डालें तो रिटेल प्राइस आती है, ये नोट नंबर 4 में ये बताया गया है। बहरहाल इस सप्लाई चेन की हम रेलेवेंस पढ़ते हैं आगे चल के, इसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं आगे चल के। The performance of the division had not been satisfactory for the last few years. A business consulting firm was hired to assess the situation, and it has recommended the following step. जो consultant ने क्या steps दिए हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जो नीचे के लिखा नहीं वो part 2 में, तो हम part 2 के लिए जो steps हैं, reduce existing supply chain by eliminating the distributors and wholesaler. वो कह रहे हैं जी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर को निकाल दे सप्लाई चेन से, इसका मतलब कंपनी क्या करे डायरेक्टली रिटेलर को बेचे। रिड्यूस द रिटेल प्राइस बाय 5%, जो पुरानी रिटेल प्राइस है उस पर 5% की कमी कीजिए। ऑफर सेल्स कमीशन टू रिटेलर एट 15% ऑफ रिटेल प्राइस, रिटेलर को कमीशन दीजिए 15% की, एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस दीजिए। Launch advertisement campaign, expected cost of campaign would be around 5 million. It is expected that the above steps will increase the demand by 1500 sets. The average cost of providing after sale service is estimated at 450 per set. Aap after sale service de rahe hain jo ki genuine free of charge hai, jiski cost aapko padne wali hai 450 per set. Required compute budgeted P&L under the present situation and if recommendations of the consultants are accepted and implemented. एक दफा I require सवाल, एक दफा फिर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि डाटा काफी ज्यादा है। वैसे तो जैसे तीन दफा पढ़ते हैं तो कुछ चीजें अब्जॉर्ब होती हैं, मैंने चूंकि पढ़ते हुए कुछ आपको चीजें एक्सप्लेन भी कर दी हैं, तो आई होप एक दफा आप रीडिंग कर लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। फिर हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, कैसे हमने दो यहाँ पे P&L बनाने हैं, वन बाय वन काम शुरू करेंगे उस पर। एक बार रीड कर लीजिए कंसंट्रेशन के साथ, करंट P&L, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट है जिस पे हमारा करंट P&L रिफ्लेक्ट होगा। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड एक्सपेंसेस जो फिक्स भी हैं वेरिएबल भी हैं वो लेस होंगे। अगर हम अपनी करंट स्ट्रेटेजी के तहत चलें तो हम कितने यूनिट्स बेचेंगे,
अगर हम करंट स्ट्रेटजी के तहत चलें कितने यूनिट बेचेंगे? 5,000. सो 5,000 यूनिट्स इनटू प्राइस और 5,000 यूनिट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट. ये जी आपका यहां से रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है. आपको फिगर सेल्स की चाहिए, कॉस्ट की चाहिए, और बड़ा आसान है, कॉस्ट प्लस 25, शायद ऐसा कोई जिक्र किया, उसमें हम डिटेल में बाद में बात करते हैं. फिलहाल ये दो फिगर ज्यादा आसान है मुझे लगता लाना. जैसे फिक्स सेलिंग कॉस्ट अवेलेबल है 9 मिलियन, हम इसको रुपीज इन थाउजेंड में ले लेते हैं. फिक्स सेलिंग कॉस्ट 9 मिलियन है, माइनस हो गया, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? टेबल में आ रही है 900 रुपीज पर सेट. 5,000 सेट बेचने हैं तो 5,000 इंटू 900 रुपीज इन थाउजेंड बोलिएगा, शायद 4,500. अगर आपने पीएनएल का फॉर्मेट प्लॉट कर लिया है तो फॉर्मेट प्लॉट होने के साथ ही दो आसान तरीन वैल्यूज डाल के आपने एक दो नंबर भी स्कोर कर ली हैं ऊपर. अब आप देखिए इसमें रह क्या गया. आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाए तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पूरी हो जाती हैं. उसके बाद एक प्राइस की फिगर है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या होगी, तो हमारा पीएनएल कंप्लीट हो जाता है. आप चीज़ों को, ओवरऑल सवाल को, जब तक आप स्मॉल वर्किंग में ब्रेक नहीं करते, आप नंबर स्कोर करने की पोजीशन में नहीं आते. नेवर लुक एट अ क्वेश्चन एज वन सिंगल स्टेप, ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू स्मॉलर वर्किंग्स. स्मॉल वर्किंग में आप करते हैं तभी आपको पता लगता है भाई कौन कौन सी वर्किंग आसान और क्विक है, पहले उनको कंप्लीट कर दें, फिर जो मुश्किल है या लेंथी वर्किंग है फिर उनकी तरफ जाएंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे. जी कोई सवाल? यहां पे कोई चीज समझ नहीं आई इस डाटा में से? करंट पीएनएल, करंट बजट 5,000 यूनिट्स का है, उसके हिसाब से हमने डाटा लिया. लेट्स प्रिपेयर वर्किंग वन फॉर दिस कॉस्ट पर यूनिट. प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, पहली बात यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट बनानी है हमने, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है जी, क्योंकि उसने बताया है प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन, मतलब फिक्स कॉस्ट भी अब्सॉर्ब हो रही है तो हमें फुल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन फुल प्रोडक्शन कॉस्ट. क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी, बोलते जाइए. एक तो किट है, कितने की? 3500 की, सॉरी 9500 की किट है जी. फिर इसमें रिलेटेड किट के इंपोर्ट एक्सपेंसेस हैं, इंपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट है 900 का. फिर क्या है जी इसके पास? लोकल वैल्यू एडिशन, लोकल वैल्यू एडिशन 3500. इसके अलावा जी सेलिंग एक्सपेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, वो तो सेल्स में चला गया, हम तो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिसाब लगा रहे हैं. इसके बाद सिर्फ फिर आ जाते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो उसने कहा बजटेड है 12 मिलियन और एब्जॉर्ब होने हैं यूनिट्स प्रोड्यूस पे जो कि 5,000 है बजटेड प्रोडक्शन पे, कितना आया 2,400. प्रॉब्ली दिस इज योर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट. कितनी है जी? 16300. दिस इज योर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट. एनी डिसएग्रीमेंट? कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए फुल प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर चाहिए. फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आ गई है. क्वेश्चन में बाज का तो आपको थोड़ी सी कोई ना कोई एम्बिग्विटी कहीं नजर आती है, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में देखा, वो तो खैर एम्बिग्विटी तो नहीं कहूंगा, दैट वॉज एन एरर, मार्कअप की जगह मार्जिन लिखा हुआ था, तो एरर भी नजर आ सकती है आपको एग्जाम में, और एम्बिग्विटी भी नजर आ सकती है. जैसे यहां पे इसने सीएनएफ वैल्यू ऑफ ईच किट तो लिख दिया लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ उसने लिखा नहीं है पर सेट है, आगे हर एक के साथ लिखा हुआ है फॉर ईच सेट पर सेट, ये सम और ड्यूटीज के साथ वो लिखना भूल गया है. तो ये चीजें आपने खुद भी जरा जहन में रखना है कि भाई जहां पर एम्बिग्विटी आए व्हाट डज योर कॉमन सेंस सेज. कॉमन सेंस के मुताबिक बात क्या बन रही है भाई, ऊपर 9,500 है वो अगर पर यूनिट है तो 900 टोटल सालाना कॉस्ट नहीं हो सकती, वो भी इट हैज टू बी पर यूनिट. तो हमें थोड़ा सा ये इस तरह की आई कैप के क्वेश्चंस में हमें कोई एम्बिग्विटी नजर आ सकती है, कुछ ना कुछ खामी नजर आ सकती है, तो उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे जरा तैयार रखा करें कि ये चीज़ आएगी
तो आपने इसको खुद अपनी कॉमन सेंस के मुताबिक उसको असेस करना होगा। चांसेस कम होते हैं पूरे पेपर में एक या दो, शायद एक या दो, इससे ज्यादा कोई एम्बिग्यूटी आपको शायद ना मिले, हो सकता है जीरो हो, जीरो से टू कह लो, ये एम्बिग्यूटी का आपका वहां पे प्रोपोर्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप चीजों को समझते हो, जैसे मैंने कहा बार बार पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, तो जनरली यू आर एबल टू रीड कि ये क्या लिखा होगा, ये क्या वैल्यू हो सकती है। बहरहाल जी हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, यहाँ पे डालिए 16,300, तो रुपीज इन थाउजेंड 8,815,000 लीजिए जी, ये प्रोडक्शन कॉस्ट। अब फिगर रहेगी प्राइस की। कंपनी सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 25% मार्कअप। अब यहां पे जो तोजो की बात है, कंपनी ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को चीज बेच दी तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे कितना कमा रहा है, होलसेलर कितना कमा रहा है, रिटेलर कितना कमा रहा है, उससे कंपनी का ताल्लुक है? कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनी ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें बेच दी, दैट इज द कंपनीज प्राइस। तो हम इसी के नीचे प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग चल रही है, दैट इज 16,300 इंटू 1.25, 25% मार्कअप पे जाता है, कितना है 20375। ये हमारी प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर है और यही हमारी यहां पर रेवेन्यू में यूज होने जा रही है, 20375। कितना जी 875। लीजिए यहां से ग्रॉस प्रॉफिट 20375 और नेट प्रॉफिट 6875। ये जी आपका पीएनएल अंडर करंट पॉलिसी। अगर आप करंट पॉलिसी के तहत ही चलें तो हाउ वुड योर पीएनएल लुक लाइक। अच्छा जरा अब हमने जो पार्ट सेकंड इसका देखना है, अगर हम कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करें तो पीएनएल कैसा दिखेगा, उसके लिए आप जरा रिकमेंडेशन एक बार फिर पढ़ लीजिए, जरा एक बार रिकमेंडेशन फिर पढ़ लीजिए। उस रिकमेंडेशन के मुताबिक फिर हम पीएनएल का ड्राफ्ट बनाते हैं और देन वी स्टार्ट पुटिंग इन द वैल्यूज। हमारा फॉर्मेट शायद अब कुछ ऐसे दिखेगा, सेल्स लेस कमीशन विल गिव यू नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने लिखा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम लेस करेंगे, दो तो आइटम वही हैं, एक आपकी फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन और दूसरी आपकी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन। इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर कॉस्ट विच विल बी एडेड हियर, एक एडवर्टाइजिंग कंपेन, और एक आफ्टर सेल सर्विस। Then you will have net profit. अगर आपने डेटा को पढ़ा है, कहानी सही तरह पढ़ ली है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज वेरिएबल्स। आपके पीएनएल में कौन कौन सी वैल्यूज यूज होनी है आपको पता लगना चाहिए, और ये मैंने वो तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मेट में डाला कि भाई अब हमारा, अगर हम कंसल्टेंट प्रपोजल इंप्लीमेंट करें तो हमारा पीएनएल इस शेप में दिखना चाहिए। अब इसको अगर मैं थोड़ा पॉपुलेट करना शुरू करूंगा इस टेबल को, तो सेल्स मेरी अब कितने यूनिट्स बिकेंगे, 6,500 पर कितने पे बिकेंगे, वर्किंग बनानी पड़ेगी। कमीशन जो भी सेल्स आएगा उसका 15% होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स जितने यूनिट बेचे हैं इनटू, देखना पड़ेगा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है, नहीं इसको सॉरी ऐसा नहीं आएगी, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल फिक्स का फर्क आने वाला है, इसके लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी एक, वट एवर नंबर इज। फिक्स सेलिंग कॉस्ट, करंट तो 9 मिलियन है, क्या इस स्कीम के आने के बाद बदलेगी, कुछ लिखा हुआ उसने, जब नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करेंगे ये वहीं की वहीं रहेगी, ये वहीं की वहीं रहेगी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, करंट तो 900 रुपए पर यूनिट है, क्या बदलेगी आगे चल के,
कोई जिक्र नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे वो 900 ही रहेगी, लेकिन अब 6500 पे लगेगी, कितनी बनी? 5850. एडवर्टाइजिंग कंपेन गिवन है, कितनी है? 5 मिलियन. आफ्टर सेल सर्विस की कॉस्ट गिवन है, कितनी है? 450 पर यूनिट. 6500 यूनिट बेचने हैं इनटू 450, 2925. अब अगेन हमने इसमें एक वाहिद ट्रिकी वर्किंग जो है वो प्राइस की है, एक ट्रिकी वर्किंग प्राइस की है. अभी हमने प्राइस को छेड़ा भी नहीं और हमने को 3-4 नंबर इस पार्ट में ले लिए हैं. इस आदत को, इस स्किल को आपको डेवलप करना है कि फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट में इजी वर्किंग, इजी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, फिर आप जाओ. अदरवाइज नॉर्मल रूटीन के तहत आप लोग क्या करते आ रहे हो, मैं बार बार समझाता आ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आइंदा आप ये ना करो. आप सेल पे जाओगे, प्राइस कैलकुलेट करने जाओगे, प्राइस ही नहीं निकलेगी तो वहीं पे सवाल छूट जाएगा आपका. इस आदत को चेंज कीजिए. फॉर्मेट सवाल को बार बार पढ़िए, 2-3 दफा जब पढ़ लेते हैं सवाल फॉर्मेट जहन में आता है, फॉर्मेट सामने लाइए, उसमें जो इजी फिगर्स प्लग होती है पहले वो कर दीजिए. अब पीछे रह क्या गया, एक ये प्राइस चाहिए तो ये दोनों फिगर आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, पीएनएल कंप्लीट हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स, माय क्वेश्चन टू यू, अगर हम 5000 यूनिट बना रहे थे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 16300 थी, अगर हम 6500 यूनिट बनाएंगे तो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या 16300 ही रहेगी? नो. ठीक हो गया, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बदल जाएगी, बिल्कुल ठीक आपने कहा. तो हम अब वर्किंग जो भी नंबर है एक्स नंबर हम बना लेते हैं, नई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? तो नई प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी होगी 9500 जमा 900 जमा 3500 जमा 12 मिलियन डिवाइड विद 6500. तो ये हमारी नई प्रोडक्शन कॉस्ट है. यहां से क्या आ रही है नई प्रोडक्शन कॉस्ट? 9500 900 3500, ये तो सारी वेरिएबल है एज इट इज आई. प्रोडक्शन कॉस्ट अब 157.15, ये जी कॉस्ट है, इसको हम यहाँ पे अब प्लग कर सकते हैं इस फॉर्मेट के तहत ही. हमारे 6500 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड विद 157.46.15 वर्किंग का रेफरेंस देके. कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे आपके जब कंसल्टेंट की प्रपोजल इम्प्लीमेंटेशन के बाद वॉल्यूम बदलेगा तो वॉल्यूम बदलने से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बदल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी. हमारी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 157.46.15 हो जाएगी, जो पहले 16300 थी सेकंड सिनेरियो में आके वो रिड्यूस हो जाएगी वॉल्यूम बढ़ने से, और उसके तहत हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आने वाली है. अब हमें एक फिगर चाहिए प्राइस. अब हमारी प्राइस जो हमें सेल्स में यूज करनी है वो प्राइस कौन सी प्राइस होगी को बताएगा मुझे. हाउ, अगर एक जुमले में आपसे पूछूं हमारी प्राइस कंसल्टेंट की सजेशन के मुताबिक कहां से आएगी, कौन बताएगा? करंट रिटेल प्राइस का 95%, ये लिखा ना उसने. उसने कहा जी होलसेलर भी उड़ाओ डिस्ट्रीब्यूटर भी उड़ाओ, रिटेल प्राइस 5% कम करके आप बेचो रिटेलर को और रिटेलर को उस प्राइस पे 15% कमीशन दो. तो हमारा रेवेन्यू बुक होना है, हमारा रेवेन्यू बुक होगा हमारी करंट और सॉरी रिवाइज प्राइस या प्रपोज प्राइस, हम अगर हम कहें हमारी प्रपोज प्राइस है करंट रिटेल प्राइस इनटू 95%. ये हमारी प्रपोज प्राइस है जो मुझे यहाँ पे फीड करनी है वर्किंग वट एवर नंबर इस नंबर में बात कर, क्योंकि पहले होते हैं नंबर मैं नहीं लगा पाता तो आपको नंबर लगाने हैं. हमें यहाँ से प्रपोज प्राइस लानी है, उधर फीड करनी है, हमारा काम ख़त्म होगा. कोई इस स्टेटमेंट पे जो मैंने लिखी कि हमें प्राइस कहाँ से लेनी है सवाल कंप्लीट करने के लिए, रेवेन्यू निकालने के लिए, तो इसका मतलब आप पहले आपको करंट रिटेल प्राइस निकालनी है. तो ज़रा कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स याद है. करंट रिटेल प्राइस निकालिए वर्किंग से, इफ दिस इज वर्किंग एक्स तो दिस इज वर्किंग एक्स वन कीजिए और करंट रिटेल प्राइस बना के दीजिए.
करंट रिटेल प्राइस बनाने के लिए यू विल फॉलो द सप्लाई चेन, करंट सप्लाई चेन है उसको लेके चलते चलिए और देखिए करंट कस्टमर को आप टीवी कितने का बेच रहे हैं। कस्टमर को आपका टीवी बिक रहा है रिटेलर से, सप्लाई चेन को फॉलो कीजिए, प्रोडक्शन कॉस्ट का डाटा लीजिए और यहाँ से निकालिए आपकी करंट रिटेल प्राइस क्या है। अप्लाई योर माइंड, डोंट ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम द सोल्यूशन बिकॉज दैट वॉन्ट सर्व द पर्पज। मकसद यहाँ पे है कि आपकी मेंटल एक्टिविटी करवाना ताकि आपको जहन इस्तेमाल करने की आदत हो, रीडिंग की हैबिट बने, रीडिंग से नंबर्स कैलकुलेट करने की स्किल डेवलप हो। तो पढ़िए बार बार करंट सप्लाई चेन का डाटा और उस करंट सप्लाई चेन का डाटा को लेके डिटरमिन कीजिए करंट रिटेल प्राइस। करंट रिटेल प्राइस के आपके जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा स्टेप है प्राइस टू होलसेलर, तीसरा स्टेप है प्राइस टू रिटेलर और चौथा स्टेप है करंट रिटेल प्राइस विच इज प्राइस टू कस्टमर। सो ये स्टेप ऑलरेडी आप कर चुके हो वहां पे 2375। अब एक दो तीन स्टेप्स आपके करने हैं एंड दिस इज द फाइनल फिगर विच वी आर लुकिंग फॉर। करंट रिटेल प्राइस चाहिए आपको विच इज द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर। रिटेलर जो खरीदता है दिस इज करंट रिटेल प्राइस 25940। करंट रिटेल प्राइस 25940 सजेशन है। देखिए जी ये ठीक है जी, दिस इज द करेक्ट आंसर 25940। सो 25940 का 95% कितना है 24643 इसका 15% कमीशन जाएगा 24027 नेट रेवेन्यू। वन फाइव थ्री ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी 33803 जी नेट प्रॉफिट। डबल 12822 11028 हमारी करंट प्राइस कस्टमर को जो हम चार्ज कर रहे हैं उसको हमने 5% कम करना है और उस प्राइस पे अब हम रिटेलर को सेल करेंगे। रिटेलर रिटेल प्राइस पे ही आगे कस्टमर को बेचेगा और हम उसको उसमें से 15% कमीशन दे रहे होंगे। जी बेटा बेटा आप सवाल को समझिए, उसने कहा है कि आप करंट प्राइस में करंट रिटेल प्राइस में 5% कमी कीजिए, यही कहा ना उसने। तो करंट रिटेल प्राइस निकालोगे आप फिर उसमें 5% कमी कर दोगे नए सिनेरियो के मुताबिक, बट करंट रिटेल प्राइस तो करंट सिनेरियो पे ही निकलेगी ना, करंट रिटेल प्राइस रिवाइज सिनेरियो पे तो नहीं निकल सकती। करंट प्राइस का मतलब अभी आप कितने की बेच रहे हो उस प्रोडक्ट, तो अभी हम बेच रहे हैं 25940 की कस्टमर को, अब इसमें 5% कमी कर दो कंसल्टेंट की सजेशन के मुताबिक, वो बनती है 24643। और अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेच रहे, अब हम होलसेलर को नहीं बेच रहे, अब हम रिटेल प्राइस पे डायरेक्ट रिटेलर को बेच रहे हैं और रिटेलर आगे इसी रिटेल प्राइस पे बेचेगा और 15% अपनी कमीशन हमसे क्लेम कर लेगा। प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर हम पहले निकाल चुके हैं, प्राइस टू होलसेलर
इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा। प्राइस टू होलसेलर, उसने कहा जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स टू होलसेलर एट 90% मार्जिन, 90% मार्जिन पे बेचता है, इसका मतलब ये कॉस्ट है तो 2375 ओवर 9200 कितनी आई जी? डबल 2639। इसके बाद होलसेलर बेच रहा है 4% मार्जिन पे, अब ये है कॉस्ट, होलसेलर की कॉस्ट आ गई, 4% मार्जिन पे बेचना है तो इसका मतलब कॉस्ट तो फिर 96 हुई ना, कितनी आई जी? 23582। और रिटेलर फिर 10% मार्कअप के साथ बेचता है, सो 23582 इंटू 1.1 दिस इज 25940। ये आपकी करंट रिटेल प्राइस आ गई। क्या आप करंटली कस्टमर को किस प्राइस पे बेच रहे हो? और कंसल्टेंट की सजेशन के मुताबिक आप रिटेल प्राइस में 5% कमी कर दें, 25940 का 95% शुड बी चार्ज ऑनवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, सो कस्टमर को प्रोडक्ट इतने की बिक जाएगी और 15% हम मार्जिन दे देंगे, कमीशन दे देंगे रिटेलर को। जनाब एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि कोई स्किल, हम कहें कोई सब्जेक्ट रेलेवेंट, बजटेड के बजटिंग के टॉपिक रेलेवेंट कोई स्किल है तो ऐसी कोई बात नहीं है। यह आपकी सिंपल परसेंटेज से डील करना आपने क्यूएम में सीखा हुआ है। आपको इस सेशन के स्टार्ट में एक आपको एक्टिविटी भी दी गई थी कि आप इनसे अपने आपको फेमिलियर करो, क्योंकि परसेंटेज से डील करना हमारे कैफ 8 में बड़ी एक अहम एक्टिविटी है। गुड 15-20 नंबर आपको फाइनल एग्जाम में इन्हीं वर्किंग्स के ऊपर बेस करके मिल रहे होते हैं, जिसमें परसेंटेजेस से आपने प्ले करना होता है। या आपको बजटिंग में भी आएंगे, या आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में भी कहीं मिलेगा, या आपको कहीं डिसीजन मेकिंग अगले टॉपिक से वहाँ पे भी आएंगे। तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में ही ये परसेंटेजेस से डील करना आपको आ रहा होगा, और मेरे हिसाब से 15-20 नंबर के करीब ये वर्किंग आ जाती है। सो यू नीड टू हैव गुड कमांड ऑन हाउ टू डील विद दीज परसेंटेजेस, मार्कअप, मार्जिन, ग्रॉस अप करना, नेट करना, तो इस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसीलिए आपको क्यूएम से रिलेवेंट को एक्सट्रैक्ट्स भी दिए गए थे, गूगल क्लासरूम में आपसे शेयर किए गए थे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की, वो एक्सरसाइज नहीं की, तो कर लें जाके, ताकि आगे जाके आपको इन बेसिक्स में दिक्कत ना हो। वो क्यूएम की रिविजन है आपकी, अगर आप कर लेंगे तो आपकी कमांड अच्छी आ जाएगी। जिनको तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत है दे नीड टू वर्क ऑन स्मॉल एक्टिविटीज़ जो आपसे शेयर की गई थी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। सॉरी जी, करंट रिटेल प्राइस में एक मिनट इसकी बात कर रहे बेटा? ये तो ये फिगर है ना, प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर जो हम चार्ज कर रहे हैं, आप यहां पे क्या लेना चाहते हैं बेटा? करंट हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? करंट रिटेल प्राइस, कि हम अभी कस्टमर को कितने का बेचते हैं, अभी हम कस्टमर को कितने का बेचते हैं, उसका इस कॉस्ट से कोई ताल्लुक है? अभी करंट का मतलब क्या है? अभी हम कस्टमर को कितने का बेचते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक है? अभी हम कस्टमर को कितने का बेचते हैं वो ये है, करंट सप्लाई चेन को फॉलो करोगे, अभी हम इतना डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर इस प्राइस पे होलसेलर को दे रहा है, अभी होलसेलर इस प्राइस पे रिटेलर को दे रहा है, और रिटेलर कस्टमर को करंट इस प्राइस पे बेच रहा है, और हमसे कहा जा रहा है करंट प्राइस में 5% कमी करो। सवाल को हमने अच्छी तरह पढ़ना है और फिर पढ़ के उसको इंप्लीमेंट कर देनी कैलकुलेशन में। करंट प्राइस जो भी है उसमें 5% कमी कर दो। वो कमी इसी वजह से शायद की गई है,
वो कमी इसलिए की गई है कि हमने होलसेलर भी निकाल दिया है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी निकाल दिया, वो अपना जो मार्जिन कमा रहे थे वो निकल रहा है बीच में से। सो इसीलिए हम प्राइस को कम कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट भी कम हो रही है वॉल्यूम बढ़ने से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी निकल रहा है, इसीलिए हम 5% प्राइस को कम कर रहे हैं। उसने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि नई जो कॉस्ट आएगी उस पर नई प्राइस वर्कआउट करो। उसने कहा नई प्राइस कहां से आएगी, पुरानी प्राइस में 5% कमी से, जो कहा गया है वही हमने करना है, पुरानी प्राइस लेंगे उसमें 5% कमी करेंगे, नई प्राइस आएगी। जी एनी क्वेश्चन? करंट प्राइस से मुराद वो प्राइस जो हम आज तक चार्ज करते आए हैं, करंट प्राइस से मुराद वो प्राइस जो हम आज तक चार्ज करते आए हैं।